हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको एक आरजीबी एलईडी बल्ब बनाकर दिखाऊंगा। आपको क्या लगता है, मैं ये बना पाऊंगा कि नहीं? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये म्यूजिक हाँ तो फ्रेंड्स, जोक्स अपार्ट, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक 15 वाट की सिस्का एलईडी बल्ब लिया है, जो कि बहुत पहले ख़राब हो रहा था। तो अब मैं इसको खोलकर इसके अंदर का सारा सामान निकाल कर इसमें आरजीबी एलईडी बल्ब फिक्स करूँगा। फ्रेंड्स, हर एलईडी बल्ब में 2 पार्ट होते हैं, एक एलईडी बल्ब पीसीबी और एक एलईडी बल्ब ड्राइवर। एलईडी बल्ब ड्राइवर एलईडी बल्ब्स को वोल्टेज देता है और एलईडी बल्ब पीसीबी में एलईडीज लगे होते हैं। एलईडी ड्राइवर को निकालने के लिए इन पॉइंट्स को डीसोल्डर करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको भी इसी टाइप के टेक्निकल और फनी वीडियोज मिलेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, इसकी ड्राइवर पीसीबी बाहर आ गई। अब फ्रेंड्स, हम इसके सोल्डर पॉइंट्स को क्लीन कर लेंगे और जो होल्स हैं उनको वापस से खोल लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये इसके पॉइंट्स क्लीन हो गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस एलईडी की पीसीबी को हमें हीट सिंक से निकालना है, क्योंकि हीट सिंक हमारे काम की है। तो मैं स्क्रू ड्राइवर से इसके स्क्रू खोल लूँगा और हीट सिंक की पीसीबी निकाल लूँगा। A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later, few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. तो फ्रेंड्स, ये एलईडी पीसीबी खुल चुकी है, इस पर एक हीट सिंक कंपाउंड भी लगा हुआ है। ये देखिए, अब मैं इसे निकालूंगा तो ये हीट सिंक कंपाउंड है। ये मेरे पास एक और हीट सिंक कंपाउंड है, जो कि हम लोग आरजीबी एलईडी में यूज़ करेंगे। अब ये ड्राइवर बोर्ड और एलईडी पीसीबी किसी काम के नहीं है। अब फ्रेंड्स, हम लोग आरजीबी एलईडी लेंगे 1 वॉट की। ये मुझे 5 रुपये के हिसाब से पर पीस मिला है मार्केट में। अब हम लेंगे एक एलईडी स्ट्रिप कंट्रोलर, जो कि दिवाली पे बहुत कॉमन है। ये मुझे 80 रुपये का मिला लोकल मार्केट से। अब फ्रेंड्स, अब चाहिए एक 12 वोल्ट का अडैप्टर या चार्जर भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमें और एलईडी बल्ब चाहिए 1 वॉट के, और एक रिमोट कंट्रोल चाहिए। अब हम वायर सोल्डर करेंगे लाइव और न्यूट्रल अडैप्टर से। ये मैंने मार्क कर दिए कौन सा क्या है। अब फ्रेंड्स, ये वायर सोल्डर हो गए लाइव और न्यूट्रल। अब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर सोल्डर करेंगे डायरेक्टली टू कंट्रोल पीसीबी।
ये फ्रेंड्स वायर सोल्डर हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम पीसीबी के ऊपर अडेप्टर के ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप लगाएंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि अपने एलईडी बल्ब की अंदर की बॉडी एल्यूमिनियम से बनी है जो कि एक कंडक्टर है, तो शॉर्ट सर्किट होने के बहुत चांसेस हैं। अब फ्रेंड्स ये टेप हो चुका है, अब हम इसके वायर्स इन होल्स में डालेंगे और फिर सोल्डर कर देंगे। अच्छे से सोल्डर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे होल्डर में जाएगा तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स वायर सोल्डर हो गए अच्छे से, अब हम एक्सेस वायर को काट देंगे। A few moments later, a few inches later, 2 hours later. ये वायर्स कट गए फ्रेंड्स और सोल्डरिंग भी हो गई। अब फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसको एक बार चेक कर लेंगे, वरना अगर हमने लगा दिया और उसके बाद अगर इसमें कुछ ख़राब निकला तो फिर हमें फिर से सब खोलना पड़ेगा। चेक करने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर एक प्लग है जो कि मैंने सीरीज बोर्ड में लगा रखा है, जैसे अगर कोई शॉर्ट होगा तो बल्ब जल जाएगा। अभी देखिए रेड वाला एलईडी जल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा 12 वोल्ट का अडेप्टर सही काम कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो येल्लो कलर का बल्ब जलता है। अब फ्रेंड्स इसकी जो कंट्रोल पीसीबी है इसको भी मैं अंदर लगा दूंगा। इसमें कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि ये 12 वोल्ट डीसी है, तो अगर ये शॉर्ट भी कर जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैंने इसको इसके सारे पिन्स उल्टी तरफ फेस करके लगाए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बचे जो भी वायर्स एलईडी और आईआर एलईडी के हैं इसको हम हीट सिंक से बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स अब आईआर एलईडी के वायर्स को खोल के आईआर एलईडी को दूसरी तरफ से अंदर डालेंगे। ध्यान रखिएगा आईआर एलईडी के वायर्स बाद में अच्छे से सोल्डर करें। A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. फ्रेंड्स ये IR LED मैंने निकाल लिया है, अब हम IR LED के वायर्स PCB पर सोल्डर कर देंगे अच्छे तरीके से। A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. We'll be right back.
अब फ्रेंड्स, ये IR LED हमारी सोल्डर हो गई है। अब हम RGB LEDs के वायर्स को बाहर निकाल लेंगे और हीट सिंक को अंदर दबा के इसको सील कर देंगे। अब फ्रेंड्स, ये हमारे वायर्स आ गए और हमने हीट सिंक को भी अच्छे से दबा दिया है। अब हम इसमें RGB LEDs की सबसे पहले सीरीज़ बनाएंगे, क्योंकि 12 वोल्ट अगर हम एक LED को देंगे तो वो फ्यूज़ हो जाएगी। तो चलिए, मैं RGB LEDs को सेपरेट कर दे रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वाली है वो रेड LED है। तीन ली है मैंने, सारी रेड, ग्रीन और ब्लू। जैसे कि इसमें RGB कलर के वायर्स हैं, ये सब पॉजिटिव हैं, वो ये सब नेगेटिव हैं और एक कॉमन पॉजिटिव है। तो हमने सबको सीरीज़ में लगा दिया, प्लस माइनस। अब हम इन तीनों के प्लस को कॉमन कर देंगे और रेड, ग्रीन, ब्लू के माइनस हो जाएंगे। और अब हम इसको कनेक्शन दे देंगे इन चारों वायर्स से। मैंने LEDs को यहाँ पर रखा है। अब फ्रेंड्स, इनको चिपकाने के लिए मैं ये थर्मो का हीट सिंक कंपाउंड यूज़ करूँगा। इसको यूज़ करना इतना नेसेसरी भी नहीं है, बस आपके LEDs अच्छे से हीट सिंक पर लग जाने चाहिए। सबसे पहले इसको मिक्स कर लूँगा, उसके बाद हीट सिंक के ऊपर इवनली स्प्रेड करूँगा। ये क्या काम करता है, जैसे जो भी स्मॉल सरफेस रह जाती है आपकी LED और हीट सिंक के बीच में, तो ये हीट ट्रांसफ़र पेस्ट की तरह ये एक्ट करता है। इसको अच्छे से लगाऊंगा मैं। इसके बाद मैं अपने सारे LED के RGB LEDs को इसके ऊपर रख दूंगा और फिर इसके वायर्स को सोल्डर कर दूंगा। रेड, ग्रीन, ब्लू नेगेटिव और वाइट वाला कॉमन पॉजिटिव। ये फ्रेंड्स यहाँ पर लग गया। ये सूखने के बाद LEDs इससे चिपक जाते हैं। अगर ना चिपकें तो आप इंस्टेंट गम का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेविक्विक। ये मैंने कनेक्शन कर दिए, रेड, ग्रीन, ब्लू माइनस और वाइट वाला कॉमन प्लस। और मैंने यहाँ पर फेविक्विक का ही यूज़ किया है ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखा सकूँ। और मैंने IR LED को भी ऐसे प्लेस कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगाएंगे। डिफ्यूज़र लगाने से पहले एक बार मैं इसे चेक कर लूँ कहीं कनेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने फेविक्विक ही लगाई है इधर। और फ्रेंड्स, ये हमारे तीनों LED के सेट RGB LED अच्छे से काम कर रहे हैं और रिमोट एक्सेस ही है ये। रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हैं, स्पीड अप डाउन कर सकते हैं। जो जो फंक्शन रिमोट में है, ये LED बल्ब सारे फंक्शन को फॉलो करेगा। तो सबसे सिंपल टाइप का LED बल्ब है, जो कि बहुत ही कम खर्चे में ये बन जाता है। मैं तो रिकमेंड करूँगा इसी LED बल्ब को एक ना एक बार आप ट्राई ज़रूर करें बनाने का। और ये बहुत ही आसानी, सिर्फ आपको वायरिंग करनी है। अब फ्रेंड्स, इसका मैं ये डिफ्यूज़र लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक स्लिट होता है, उसी से इसका लॉक होता है डिफ्यूज़र का। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, फेविक्विक अच्छे से लगाएं अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए तो। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने ये वाला RGB LED बल्ब आपको बनाकर दिखा दिया, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी भी हंसी आई हो, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मुझे बहुत खुश होगा और मोटिवेशन होगी कि मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर दिखाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ।